बेंगलुरु के एयर शो में तेजस ने दिखाई ताकत, आसमान में दिखाया दम। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने भरी तेजस में उड़ान, देश में बना है लड़ाकू विमान तेजस। एक दिन पहले ही तेजस को मिला फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, HLA ने बना है ये लड़ाकू विमान। HAL के MD आर माधवन ने कहा तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर भी किया जा रहा विचार। आर माधवन ने कहा HAL के पास रफेल बनाने की क्षमता, लेकिन अभी तक सिर्फ खरीदे जा रहे 36 विमान। हिमाचल के कुल्लू में जबरदस्त बारिश, पागलनाला में मलबे में फंसी गाड़ी, रिहायशी इलाकों में फ्लैश फ्लड का मंजर, बाढ़ जैसे हालात। घरों के आसपास नालों में बेहिसाब पानी, पार करना खतरनाक। सड़कों पर बारिश के साथ आया मलबा, 12 पंचायतों से कटा संपर्क। पुलवामा हमले के बाद जैश की नई धमकी, पुलवामा के बाद तंगधार में हमले का प्लान। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली खबर, अगले 2 दिन में हो सकता है हमला। तंगधार और चौकीबंद में हो सकता है हमला, हरे रंग के स्कॉर्पियो का इस्तेमाल। जैश ने विस्फोटक के लिए खिलौने शब्द का किया इस्तेमाल, इस बार 500 किलो विस्फोटक। एजेंसियों से रिकॉर्डिंग में मिले सुराग, सोशल मीडिया पर था मैसेज। पुलवामा हमले पर कांग्रेस ने पूछे धमाकेदार सवाल, सबसे बड़ा राजधर्म भूलने का आरोप। कांग्रेस ने पूछा खुफिया तंत्र विफलता के लिए जिम्मेदार कौन, जैश के वीडियो को क्यों किया नजरअंदाज। कांग्रेस ने पूछा जवानों को हवाई मार्च से लाने की मांग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नोटबंदी से आतंकी फंडिंग बंद होने के दावे पर भी सवाल, 488 जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन। कांग्रेस ने पूछा सीमा पर हाईटेक पहरा तो स्थानीय आतंकियों को कहां से मिला विस्फोटक। कांग्रेस ने कहा शहीदों के सम्मान में थे 7 दिनों तक चुप, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से लगातार हमले हुए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, हमले के 4 घंटे तक पीएम मोदी शूटिंग और चाय नाश्ते में थे व्यस्त। सुरजेवाला ने कहा सर्वोच्च बलिदान देने वालों को सम्मान पाने के लिए करना पड़ा 1 घंटे तक पीएम का इंतजार। कांग्रेस ने शहीद के काफिले में हंसने वाले साक्षी महाराज की दिखाई तस्वीर। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी का जवाब, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस अपना इतिहास देखे। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्यों से की मुलाकात, ताजा हालात की दी जानकारी। अमेरिका में भारतीय राजदूत से भी मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पुलवामा हमले के बाद रणनीतियों पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को बैन करने के लिए प्रस्ताव लाएगा फ्रांस, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने किया समर्थन का वादा। न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका की संसद में भी पुलवामा हमले के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव, भारत को हर तरफ से समर्थन का वादा। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में BCCI, सूत्रों से खबर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से हटाने की होगी मांग। सूत्रों से खबर COA चेयरमैन विनोद राय के निर्देश पर ICC को चिट्ठी लिखेंगे BCCI के CEO राहुल चौधरी। IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला का बयान, विश्व कप पर COA को लेना होगा फैसला, हम पाकिस्तान से नहीं खेलते विपक्ष मैच। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से हटाने का किया समर्थन, कहा पाकिस्तान के ना खेलने से ICC को नहीं होगा कोई नुकसान। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कहा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में नहीं खेलने देने का फैसला ICC को लेना होगा, नहीं तो वर्ल्ड कप से अलग हो जाए भारत। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा वर्ल्ड कप में हो पाकिस्तान का बहिष्कार, आतंक और क्रिकेट साथ साथ नहीं हो सकता। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी पाकिस्तान पर दिखाया आक्रोश, कहा पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए क्रिकेट। पुलवामा हमले के विरोध में बोले हरभजन, क्रिकेट और वर्ल्ड कप से बड़ा है देश, देश की सुरक्षा खेल से पहले हो। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बैन नहीं कर सकते। गावस्कर ने कहा बहिष्कार के भारत को नुकसान, इमरान खान आतंकियों पर करे कार्रवाई। पुलवामा हमले पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की भी नजर, दोनों देशों से तनाव को खत्म करने का किया आह्वान। अमेरिका ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान से मांगा जवाब, ट्रंप बोले फौरन गुनहगारों पर हो कार्रवाई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने जैश को माना पुलवामा हमले का जिम्मेदार, एक इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान करे जैश मोहम्मद पर कार्रवाई। इंटरव्यू में बोले परवेज मुशर्रफ, भारत पर आतंकी हमला निंदनीय, जैश ने उनकी भी हत्या करने का किया था प्रयास। पुलवामा हमले के बाद राजस्थान के राज्यपाल का बड़ा बयान, कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम, चार अलगाववादी नेताओं के बाद हुर्रियत के 18 नेताओं की और हटाई गई सुरक्षा। जम्मू और कश्मीर के 155 राजनीतिक व्यक्तियों को भी सुरक्षा में बदलाव, गृह मंत्री ने जारी की एडवाइजरी। सरहद से सटे गांवों को लोगों के लिए रजौरी में बनाए जा रहे हैं बंकर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी से बचाने का जतन। नौशेरा, सुंदरबनी और मंजाकूट में बनाए जा रहे हैं बंकर, इन इलाकों में सरहद पार से बरसते हैं मोर्टार। रजौरी में लगातार दो दिन से सरहद पार से फायरिंग, रिहायशी इलाकों पर गोले दाग रहा पाकिस्तान। पेरिस में चल रही एफएटीएफ की बैठक में भी पाकिस्तान को मिलेगी पटकनी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भारत सौंपेगा डॉसियर। ग्रे सूची वाले पाकिस्तान को एफएटीएफ की तरफ से मिल चुकी है चेतावनी, अगर आतंकी फंडिंग पर रोक नहीं लगाई तो 2019 तक कर दिया जाएगा ब्लैकलिस्ट। पुलवामा हमले की कड़वाहट के बीच हेगडे आईसीजे का फिर सामने होंगे भारत पाकिस्तान। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान आज हाजिर करेगा अपना अंतिम जवाब। इसके पहले आईसीजे में भारत की ओर से हरीश सालवे ने रखा पक्ष, पाकिस्तान को बताया झूठा और आतंक का हितैषी। आईसीजे में नहीं चला पाकिस्तान का मौखिक तर्क, पाकिस्तान की ओर से भारतीय पत्रकारों के लेख किए गए थे पेश। दो दिवसीय दक्षिण कोरिया की यात्रा में सियोल पहुंचे पीएम मोदी, पीएम को मिलेगा 2018 का सियोल शांति सम्मान। दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, दक्षिण कोरिया हमारा अमूल्यवान मित्र है, यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन के दो दिन के बाद ही फिर घमासान, सत्ता के बंटवारे पर फंसा पेच। गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी का बयान, विधानसभा चुनाव में जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसी दल का बनेगा मुख्यमंत्री। शिवसेना का बयान, गठबंधन के साथ ही सत्ता के बंटवारे पर भी हुई बात, बाद 6-6 महीने में बदलने पर हुई थी बात। प्यार के आरा जेल का वीडियो वायरल, कैदियों की पार्टी। ब्रह्मदूर से आया हादसे का खौफनाक वीडियो, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। उज्जैन में दर्दनाक हादसा, एक परिवार के 5 लोगों की मौत। बिजनौर में बस और कार की टक्कर, विरोध में पत्थरबाजी। दिल्ली के हरिनगर में फर्नीचर मार्केट में आग, फिलहाल काबू में। कानपुर में बराजपुर स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट से हड़कंप, जनरल कोच के टॉयलेट में हुआ धमाका। धमाके के वक्त स्टेशन पर रुकी हुई थी ट्रेन, विस्फोटक से बोगी में मची अफरा तफरी, किसी के नुकसान की खबर नहीं। धमाके की खबर मिलते ही जांच के लिए पहुंची एटीएस की टीम, मौके से खराब लिखावट में मिली चिट्ठी, एटीएस कर रही जांच। महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में मिला बम, बाल बाल बची यात्रियों की जान। हिमाचल के मंडी में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, टेस्ट ड्राइव के दौरान अनियंत्रित हुई कार। कार खरीदने आई महिला करना चाहती थी टेस्ट ड्राइव, मगर काबू में ना कर पाने से कांच की दीवार तोड़कर निकली कार। यूपी के रामपुर में कैमरे में दर्ज हुआ लाइव मर्डर, पेड़ के पीछे छिपे शख्स की गोली मारकर हत्या। लाइव मर्डर के पीछे पुरानी रंजिश थी, आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। लखनऊ में गवर्नर हाउस के सामने धू धू कर जली स्कूटी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुरादाबाद में 2 लाख की लूट की कोशिश करता आरोपी चढ़ा, लोगों के हत्या जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध संबंध के शक में पति ने कुल्हाड़ी से काटा पत्नी का सिर, कटा सिर लेकर थाने पहुंचा पति गिरफ्तार। पुणे के गौरव पिंपले में मंदिर निर्माण के दौरान गिरी छत, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के रामपुर में 2 पक्षों में चली गोली, दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति की मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में टेंट के सामानों से लगा टेम्पो, पलटा एक की मौत। वडोदरा में उद्योगपति के बेटे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया गया, आरोपी ने मांगी थी 40 लाख की फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में शराब बनाने वाला केमिकल और पैकेट बरामद। दिल्ली के कीर्तिनगर में 34 लाख के लालच में बिजनेसमैन ने आंख में मिर्ची डालकर किया लूट का नाटक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गया में अवैध अफीम की खेती पर प्रशासन सख्त, कई एकड़ में फैली अफीम की फसल नष्ट। अपनी मांगों को लेकर फिर मुंबई तक मार्च करेंगे महाराष्ट्र के किसान, आज नासिक से मुंबई के लिए करेंगे कूच। तमिलनाडु के होसुर में जलीकट्टू के आयोजन को रोकने पहुंची पुलिस पर पथराव, लोगों ने जमकर किया उपद्रव। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा, दुकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत। छपरा में 10वीं की छात्रा की चाकू से हत्या, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। अमृतसर के एक रिजॉर्ट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक।
चोरी के आरोप में 5 दिन तक मैनपुरी में बंधक बनाकर युवक की पिटाई, इलाज के दौरान सैफई में मौत। एमटीएनएल के कर्मचारियों पर जंतर मंतर पर हल्ला बोल, समय से वेतन देने की बात। राजस्थान के अलवर में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू, अब तक 62 लोग पाए गए पॉजिटिव। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, डकैती करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में अधमने असलहे बरामद। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, 1 जनवरी से 17 फरवरी तक स्वाइन फ्लू के 2000 से ज्यादा मरीज। यूपी के रामपुर में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। बिहार के आरा में स्कूल में युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर की आगजनी। पुणे में अंबे गांव में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम, 18 घंटे बाद बच्चे का रेस्क्यू। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक आनंद सिंह पर जानलेवा हमले के आरोपी विधायक गणेश गिरफ्तार, 20 जनवरी को साथी विधायक पर किया था जानलेवा हमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।